और दो दिवसीय लाओस दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी आज कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया आसियान समिट में शामिल होने के लिए दो दिन के दौरे पर कम्युनिस्ट देश लाओस पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने इंडिया आसियान समिट को संबोधित करते हुए कहा है कि हम शांति प्रिय देश हैं और 21वीं सदी हमारी है। 21वीं सदी एशियन सेंचुरी भारत और आसियान देशों की सेंचुरी है। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है तब भारत और आसियान की मित्रता समन्वय संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत ने आसियान देश के साथ कई समझौते भी किए हैं। पिछले 10 वर्षों में आसियान क्षेत्र के साथ हमारा व्यापार लगभग दोगुना होकर 130 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। आज 7 आसियान देशों के साथ भारत ने डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी है और शीघ्र ही ब्रुनेई के साथ भी सीधी उड़ाने शुरू होगी। पीएम मोदी ने जापानी पीएम इशिबा के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, रक्षा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर की भी द्विपक्षीय बातचीत हुई।